हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं एंड फुल माइंडसेट के साथ बैठे हैं। देखिए, आपको पता है जैसे कि हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें कि हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे हमारा जनरल एनालिसिस होता है जो कि हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी समझ इंपॉर्टेंट है कि क्या आता है क्या नहीं आता है, तो ये सारी चीजें, इसलिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो, तो जैसे कि आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ चैप्टर बायो मॉलिक्यूल। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि क्या इसके अंदर आता है, क्या चीजें हैं, क्या फॉर्मेशन है, क्या है, कैसे बन रहा है। ये सारी चीजें इससे काफी ज्यादा पूछी जाती है जो कि आपको ध्यान से पढ़नी है, समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। याद रखिएगा, बेशक आप अभी क्लास देख रहे हो तो आपको आंसर खुद करने की कोशिश करनी है कि देखना है, एनालिसिस करना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो। क्योंकि इस चैप्टर की मैं हर एक छोटी से छोटी टॉप, देखो हमने क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किए गए हैं कि आपके स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स पूरे हो रहे हैं। किसे हम कंसीडर करते हैं, किसे नहीं कंसीडर करते, क्या है क्या नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं जो कि ओवरऑल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि माना, मतलब जितने भी 20-25-30 क्वेश्चन जो भी मैं आपके सामने लेके आई हूँ, उससे आप इसका 3 गुना ज्यादा कर लो, 4 गुना ज्यादा कर लो, उतना आपका अभी 30 मिनट में कवर होने वाले हैं। अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और इन्हीं वीडियोस को 1 से 2 बार देख लेते हैं, तो आपके लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं बायो मॉलिक्यूल। बायो मतलब लिविंग, लिविंग में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम बायो मॉलिक्यूल के नाम से जानेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। Which of the following simple carbohydrate cannot be hydrolysis? देखो, कार्बोहाइड्रेट है, पहले बोला कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन को हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, बट फिर पता लगा कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बहुत सारी कॉम्बिनेशन है, तो हम किसे कंसिडर करेंगे? तो फिर आया कंसेप्ट, चाहे कितने भी कार्बन है उसमें अगर फर्स्ट कार्बन कारल है तो उसे ही हम कार्बोहाइड्रेट कंसिडर करेंगे। ये पॉइंट आया। इनमें से सबसे, जो कि सबसे इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, वो आते हैं आपके फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज छोटे मॉलिक्यूल है। फ्रक्टोज सेम फॉर्मूला है बट इसमें कीटोनी ग्रुप लगा होता है, और ग्लूकोज में CHO ग्रुप लगा होता है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। ये दोनों में वेरिएशन है, इसी वजह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल। अब चलिए नेक्स्ट आता है ग्रेप शुगर। ग्रेप्स में जो शुगर पाई जाती है, देखो लैक्टोज, मेरे साथ चीजों को बोलो, मेरे साथ चीजों को बोलेंगे तो चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। लैक्टोज आ गया मिल्क शुगर, क्या आ गया? मिल्क शुगर। फ्रक्टोज आ गया फ्रूट शुगर, ठीक है, पायरनो स्ट्रक्चर बनता है। ग्लूकोज आ गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्रेप शुगर, या इसे हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। बाकी ग्लैक्टोज की बात करें, इसे हम ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं। देखो, बायो मॉलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है जो बायो में, केमिस्ट्री में, जीके में, सब जगह किसी ना किसी पर्पज से पूछा ही जाता है। बाकी रही बात इन नोट्स की कि हमें कहाँ से मिलेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको इसके PDF मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, राइट? सो नाउ नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सुक्रोज। देखो, सुक्रोज को तोड़ने से क्या बनता है? सुक्रोज को हम बोलते हैं केन शुगर, जो घरों में शुगर रखी जाती है या टेबल शुगर है, वो आ जाती है आपकी सुक्रोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनते हैं सुक्रोज को तोड़ने से। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज बनते हैं स्टार्च को तोड़ने से, याद रखिएगा इन चीजों को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज? सारे सही हैं, एक ट्रू नहीं है। इट इज एल्डोहेक्सोज या
ऑन हीटिंग अगर ग्लूकोज का हम रिएक्ट करवाएं एचआई के साथ तो एनहेक्सोन बनेगा, ये भी स्ट्रक्चर है। प्यूरिनोज नहीं होता क्योंकि ग्लूकोज का हेक्सोनल स्ट्रक्चर होता है। इट डज नॉट गिव टू एन ओ डी एन पी टेस्ट, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है, नॉट पूछा गया है, नॉट एक्सेप्ट, इन चीजों को ध्यान में रखना। तो ये आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, राइट। म्यूटारोटेशन, म्यूटारोटेशन होता है लाइट की प्रेजेंस में जो रोटेशन कर देता है, अपनी डायरेक्शन मूव कर देता है। तो कौन से नहीं करते, सुक्रोज नहीं करता, ठीक है, कौन नहीं करता, सुक्रोज नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देखिए हाँ, जैसे कि हमारी हमारे पास मेडिकल एंड नॉन मेडिकल की क्लासेस चलती हैं, एचपीटैट के लिए, टीजीटी के लिए। किसी को भी ज्वाइन करना हो, सिर्फ लाइव क्लासेस चाहिए, किसी को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, किसी को कुछ भी नोट्स ही चाहिए, तो वो सब हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब समझना है रिडक्शन क्या होता है, ग्लूकोज की कर रहे हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताएंगे। सी एच टू सी ओ एच, ओपन स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम सी एच ओ एच, ठीक है, फोर सी एच ओ, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब हम इसकी रिडक्शन कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ सोडियम एमलगम एंड वाटर। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, तो इसमें इन सब में से बन जाएगा सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल होता है कि ये बीच का फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे सी एच ओ की जगह सी एच टू ओ एच लग जाएगा, बाकी सेम है, सी एच ओ एच का फोर, सात छह कार्बन होते हैं ना, एक चार ये एक पांच छ, तो सॉर्बिटोल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है सॉर्बिटोल का फॉर्मूला क्या है। तो सॉर्बिटोल कैसे बनता है, रिडक्शन ऑफ ए ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है और सॉर्बिटोल का फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, रिडक्शन की जाएगी अगर ग्लूकोज की किसकी प्रेजेंस में, मतलब हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो इसमें बन जाएगा एनहेक्सेन। एनहेक्सेन का मतलब होता है सी एच थ्री, फिर सी एच टू का फोर सी एच थ्री, एनहेक्सेन मतलब सिंपल रिंग, यह रिडक्शन वाला। बाकी आता है अगर हम ग्लूकोज की करते हैं ऑक्सीडेशन। देखो ये सारे मतलब चार क्वेश्चन, मतलब चार पॉइंट बता रही हूँ, चारों के बारे में बता रही हूँ, तो ये काफी ज्यादा एनालिसिस करके चीजें बताई जा रही हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी कैसे भी। तो ये मैंने पूरा चेक किया है और आपको क्वेश्चन ही ऐसे बनाए हैं कि आपका ओवरऑल चैप्टर कवर हो रहा है। बट याद है, याद रखना कि आपको इन चीजों को अच्छे से देखना पड़ेगा। सो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हैं Br2OH की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। अब ग्लूकोनिक एसिड क्या है, CH2OH, बाकी सेम आ जाएगा CHOH का 4 और एक साइड आ जाएगा COOH, उसे हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। देखो सॉर्बिटोल क्या बनता है, एनहेक्सिन कब बनता है, ग्लूकोनिक एसिड क्या बनता है। अब एक साइड COOH है तो वो होता है ग्लूकोनिक एसिड। सेम अगर इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, सैक्रिक एसिड, HOOC, फिर आ जाएगा CHOH का 4 एंड COOH, ये बन गया आपका ग्लू कॉनिक एसिड। याद रखिएगा CH2OH, CHOH का 4, जो सॉर्बिटोल कब बन रहा है, एनहेक्सेन कब बन रहा है, ऑक्सीडेशन से। अब पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है, लिखा नहीं होगा इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, या क्वेश्चन आ सकता है रिडक्शन से इनमें से कौन सा बन सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। सबको हर तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, ग्लूकोज एक्शन विद टॉलन रिएजेंट। तो सबसे पहले टॉलन रिएजेंट के बारे में बहुत पढ़ते हैं, क्या होता है, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, या बोलते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब ग्लूकोज का एक्शन किया जाएगा टॉलन रिएजेंट से, तो क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। अभी हमने पढ़ा था ग्लूकोनिक में क्या होता है, ग्लूकोनिक में होता है
एक साइड होता है CH2OH ग्रुप और एक होता है COOH। फिर आता है ग्लूकाजोन। जब हम ग्लूकोज की ओजोनोलाइसिस करेंगे, मतलब ओजोन का रिएक्ट करेंगे, तो बन जाएगा हमारा ग्लूकाजोन। फिर आता है ग्लूकोज ऑक्साइन। तो जब हम ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट करेंगे OH के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें एक साइड तो सेम है CHOH, ठीक है, मतलब इस साइड को CHOH का ट्वाइस और CH इसमें लग जाएगा ये NOH ग्रुप, जिसे हम ऑक्साइन के नाम से जानते हैं। सॉर्बिटोल हमने किया अभी, CH2OH दोनों साइड लग जाएगा। ये भी याद आया CH2OH दोनों साइड लग गया, COOH दोनों साइड लगता है, तो क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर क्या है? ये एक दूसरे के एनोमर है, ठीक है, याद रखिएगा कि एक ही ग्लूकोज है, बस उसके रोटेशन में फर्क है। इधर को रोटेशन है तो एनोमर, इधर को रोटेशन है तो आपका नाम कर दिया इन्होंने बीटा। एपिमर्स की बात करें, ये डायोस्टीरोमर की पेयर है, अपोजिट कॉन्फिग्रेशन होती है इनकी। कंफर्म की बात करें, टेम्परेचर के बेसिस पे टेम्परेचर चेंज करोगे तो जो उसकी कंफर्मेशन चेंज होगी वो कंफर्म आगे। एनशियोमर ये कंपेयर हैं, जो कि मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। कौन से? एनशियोमर मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रक्टोज रिड्यूस टॉलन रिएजेंट ड्यू टू। फ्रक्टोज रिड्यूस होता है टॉलन रिएजेंट से, टॉलन रिएजेंट अभी हमने किया, तो एनोलाइजेशन होगी फ्रक्टोज की, जिसमें की मतलब बाय द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड बाय बेस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। लैक्टोज, लैक्टोज आपको पता है मिल्क शुगर में प्रेजेंट होता है, तो लैक्टोज किससे होता है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज का मिक्सचर होता है। किसका होता है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज का मिक्सचर। तो हमारा ऑप्शन बन जाता है करेक्ट ए। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ए टिपिकल कार्बोहाइड्रेट। तो सी डबल बॉन्ड ओ, OH रहता है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्टार्च। देखो स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ये ग्लूकोज के ही मॉडिफाइड वर्जन है। ग्लूकोज की को ही अलग अलग तरीके से लिखा गया है तब इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, बट उसमें अरेंजमेंट कैसी है, मेन डिफरेंस है इनके अरेंजमेंट को। तो स्टार्च आ जाता है इसमें अमाइलोज 20% एंड अमाइलोपैक्टिन 80%। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट बन जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो ये है अमाइलोज। अमाइलोज का सीधा स्ट्रक्चर है और अमाइलोपेक्टिन का ब्रांच स्ट्रक्चर आता है, ये दोनों में फर्क है। जैसे कि स्टेट चेन पॉलीमर डीग्लूकोज यूनिट, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन पॉलीमर यूनिट, अमाइलोज इन स्टार्च अबाउट 20%, अमाइलोपेक्टिन में कंटेंट इन स्टार्च इज 80%, स्टेट चेन है ये, ब्रांच चेन है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है इसमें, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, लेस सोल्यूबल वाटर, मोर सोल्यूबल, गिव ब्लू ब्लैक कलर इन आयोडीन, ये रेडिश ब्राउन करता है, हाइड्रोलिसिस की वजह से ये अमाइलेज में कन्वर्ट हो जाता है, ये अमाइलेज एंड बीटा अमाइलेज में कन्वर्ट हो जाता है, डू नॉट फॉर्म इट जेल व्हेन हॉट वाटर इज एडेड, और ये जेल बना देते हैं, ठीक है। अब आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब जो ब्रेकडाउन नहीं होती। अभी हमने इसका ना अलग फॉर्म किया था, एक होती है रिड्यूसिंग शुगर, जो भी किसी भी चीज हम एड ऑन करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वो आ जाती है रिड्यूसिंग शुगर, और जो ब्रेकडाउन नहीं होती वो आ जाती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो कि आपके आगे सुक्रोज, ठीक है, स्टार्च, याद रखना है सारे पॉइंट्स को, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन, ये आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज ये रिड्यूसिंग नेचर की होती है। ये भी अब जरूरी थोड़ी ना, इस बार मैंने क्वेश्चन पूछा नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, सुक्रोज ही ऑप्शन हमें आएगा, कोई और ऑप्शन में भी आ जाता है, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, इनमें से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। देखो क्वेश्चन को बनाया ही इस फॉर्म में किया गया है कि अगर आपको ऐसा नहीं पूछा तो ऐसा पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऐसा नहीं पूछा तो ये पूछा जाएगा तो क्या इसके अंदर आ जाएगा, तो उस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं।
30 क्वेश्चन मैं जैसे इस चैप्टर के लेके आई हूँ, तो मतलब 30 का आप 4-5 गुना कर लो, इतने क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। देखो क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में देख लो, स्टार्च रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, माल्टोज से हो गया, सिक्स ये हो गया, सेवन्थ ये हो गया, ऐसे करके हमारे क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने चार्ट भी याद किया, और टॉलन रिएजेंट क्या होता है और फैलिंग रिएजेंट क्या होता है ये भी याद रखना। फैलिंग होता है कॉपर सल्फेट, एंड फैलिंग बी होता है NaOH, ठीक है, और रॉचेक सॉल्ट। रॉचेक सॉल्ट का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, KNaC4H4O6। क्या आता है बोलो मेरे साथ, KNaC4H4O6, 2H2O, राइट। चलिए नेक्स्ट पे जाएंगे, नेम प्रोटीन गिवन बाय किसने दी है, तो नेम प्रोटीन है बर्जीलियस ने दी है, ठीक है। अब बात करें देखो प्रोटीन को तोड़ेंगे तो हमारे पास किस क्या होगा, हाइड्रोलिसिस से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड कंपाउंड बनेगा, उस हाइड्रोलिसिस करेंगे फिर अल्फा अमाइनो एसिड बनेगा, और प्रोटीन के तोड़ने को हम डी नेचुरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी नेचुरेशन। फ्रेडरिक मिक्सचर की बात करें, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बोला है। अब वॉटसन एंड क्रिक की बात करें, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया है। अब आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि जो डीएनए है इसकी विड्थ कितनी होती है एंड हाइट कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, एंड स्ट्रॉन्ग में भी और नैनोमीटर में भी दोनों में फर्क रहता है, विड्थ और एंगस्ट्रॉम। देखो वीडियोस में आपको अगर हेल्पफुल लगती हैं तो कमेंट में जरूर आंसर कीजिए, और जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसे वीडियो को पॉज करके आंसर कीजिएगा, पढ़िएगा समझिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रोटीन की बात की तो प्रोटीन के क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रोटीन हैज बिन मसल, तो ट्रिप्सिन की बात करें, पेप्सिन की बात करें, ये कैटलिस्ट एक्ट करते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। कॉलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो ह्यूमंस में पाई जाती है। इसमें कैरेटीन है जो हेयर्स में पाई जाती है, नेल्स में पाई जाती है। मायोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन स्टोर करती है इन मसल्स में, या इसे भी हम कई बार मसल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, बट मेन आती है आपकी एक्टिन एंड मायोसिन। क्या आती है, एक्टिन एंड मायोसिन मेन स्पेसिस कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डीनेचुरेशन, ठीक है, बिलो मतलब इनकरेक्ट, बाकी करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। सो याद रखिएगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कॉज लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी, भी सही है। डीनेचुरेशन लीड टू मूवमेंट ऑफ ए डबल हेलिकल सिंगल स्ट्रैंड, बस डीनेचुरेशन का मतलब ये तोड़ना, और डीनेचुरेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, ब्यूरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय किसने नहीं दिया, किसने नहीं दिया था, तो ब्यूरेट टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइब्रस प्रोटीन, तो हीमोग्लोबिन आपको पता है, आयरन इसके कोर एलिमेंट है, हमारे ब्लड में पाई जाती है, गामा ग्लोबिन इम्यूनिटी से रिलेटेड है, इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, कॉलेजन कैरेटीन मायोसिन फाइब्रिनिन फेब्रोइन, ये फाइब्रस है। फाइब्रस वर्ड जब भी है तो वो स्ट्रॉन्गनेस की बात की गई है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, ये देखो फाइब्रस में ग्लोबुलस में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। देखो वो कुछ चार्ट मैंने एड ऑन कर दिए हैं जो कि आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन कैन हैव अमाइनो एसिड लिंक विद ईच अदर इन बेसिक सीक्वेंस। बेसिक सीक्वेंस में तो सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, तो कई बार सेकेंडरी प्रोटीन कौन सी है, देखो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए इसे अलग अलग फॉर्म में, प्राइमरी का अलग पढ़ लिया, सेकेंडरी का, या तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, तो प्राइमरी सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंसुलिन इसका एग्जाम्पल है, तो कई बार पूछा जाता है सेकेंडरी के एग्जाम्पल क्या है, टर्शरी के, क्वाटनरी के, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। कन्वर्जन ऑफ, देखो हमारे देखो कैटलिस्ट होते हैं जब हम केमिस्ट्री में लैंग्वेज में यूज करते हैं, केमिकल की ट्रीटमेंट की जाती है, और
एंजाइम्स होते हैं जो ह्यूमन में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। एंजाइम और कैटलिस्ट में फर्क ये है, एंजाइम क्या करते हैं दोनों ही स्पीड रिएक्शन में करते हैं, पर एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे काम करते हैं, कैटलिस्ट हर कंडीशन में चलते हैं। तो माल्टोस से बन रहा है ग्लूकोज, क्योंकि माल्टोस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का यूनिट है। तो इसमें तोड़ने में कौन मदद करता है, इसमें जाइमेज मदद करता है। लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज से शुगर बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। सुक्रोज से जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन रहा है तो इन्वर्टेज काम करता है, ठीक है। सॉरी जाइमेज इसमें नहीं काम करता, हाँ जाइमेज आता है, ठीक है ये याद रखिएगा। शुगर सॉरी जाइमेज इसमें आता है, माल्टेज काम, ठीक है। बाकी जाइमेज की बात करें तो जाइमेज में जो शुगर है वो इथेनॉल एंड कार्बोहाइड्रेट में बदलती है, ठीक है। क्या होता है, जाइमेज शुगर इथेनॉल एंड का मतलब ग्लूकोज का भी आगे डिवीजन होता है इसमें, थोड़ा उल्टा बोल दिया ध्यान में रखिएगा। सो नेक्स्ट होलो एंजाइम, देखो एंजाइम के पार्ट होते हैं होलो एंजाइम एंड सिंपल प्रोटीन। होलो एंजाइम के दो पार्ट आते हैं, प्रोटीज पार्ट एपोजाइम, दूसरा पार्ट होता है नॉन प्रोटीज पार्ट कोफैक्टर। कोफैक्टर के दो पार्ट होते हैं प्रोस्थेटिक एक कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है एपोएंजाइम से, स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बट कोएंजाइम लूजली बाउंड होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ, ये ध्यान में याद रखना है। सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन सा प्रोटीज पार्ट है कौन सा नॉन प्रोटीज पार्ट है, राइट। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पिरामिडल, देखो नाइट्रोजिनस जो बेस है वो दो टाइप के आते हैं, एक आता है प्यूरीन और एक आता है पिरामिडीन। प्यूरीन में आपके आते हैं कौन से आते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। पिरामिडीन लंबी स्पेलिंग है तो ज्यादा अमाउंट में आता है, थाइमीन साइटोसिन यूरेसिल। सो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा एडेनिन। एडेनिन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, किसमें, ये बनाता है डीएनए में, ये भी याद रखिएगा। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, बट एडेनिन थाइमीन के बजाय यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है, यही मेन इसमें डिफरेंस है। देखो बायोमोलिक्यूल अपने आप में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया बायो हो केमिस्ट्री हो जीके हो सब में इसका पूछा जाता है क्वेश्चन, और आता ही आता है बहुत, मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा ही जाता है इसके बारे में। डीएनए का टूटना, देखो स्टेप आते हैं, डीएनए के सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉपी, तो डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनती है प्रोटीन। डीएनए पहले टूट रहा है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बन रही है ट्रांसलेशन, तो डीएनए के टूटने को रेप्लिकेशन। याद रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को, किसी को भी हमें भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट, सो व्हाट इज सोल्यूबल विटामिन, देखो विटामिन प्रोटीन हॉर्मोन इतने क्वेश्चन आते हैं इनके। सो नाउ व्हाट इज सोल्यूबल विटामिन, तो देखो विटामिन एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, ठीक है, और एक आते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल में आ जाते हैं बी और सी, ठीक है, यानी ये फैट इनसोल्यूबल है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है फैट इनसोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल आगे बी एंड सी, और फैट इनसोल्यूबल आगे सॉरी फैट सोल्यूबल आगे ए डी ई के, ठीक है याद रखिएगा। तो हमसे वाटर सोल्यू वॉट है लिखा है यानी वॉटर आना है, वॉटर सोल्यूबल में आपके आ जाते हैं बी एंड सी, ठीक है। ए हमारा क्या कहता है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम कहता है, बी बोन से रिलेटेड है, के हमारा किस से रिलेटेड है, के हमारा ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर, ब्लड का नई फॉर्मेशन होना, क्या होना क्या नहीं होना, ये सारी चीजें इसके अंदर कंसिडर की जाती है। ये देखो अब हम पढ़ते हैं, देखो डिजीजेस से क्वेश्चन आता है, तो देखो तीन चार क्वेश्चन विटामिन से आते हैं, एक सोल्यूबल इनसोल्यूबल से, एक आता है साइंटिफिक नेम और एक बीमारी। चलिए
विटामिन ए से होती है रेटिनोज, द साइंटिफिक नेम होती है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी बेरी बेरी, थायमिन इसका साइंटिफिक नेम है। सी से, इसी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, तो सी से होती है स्कर्वी। डी का नाम है, मेरे साथ बोलो ऐसे भूल जाते हैं, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो विटामिन डी से होती है आपके रिकेटस, बोन से, बोन का मुरझाना, बोन की शेप नहीं बन पाना, क्योंकि ये उस केस में होता है जिस केस में बोन्स वीक होती हैं। नेक्स्ट ये देखो, इस चार्ट को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें सारे विटामिन के बारे में बोला है। बाकी टोकोफेरोल किसका नाम है। विटामिन बी टू का बात करें तो इससे होती है सिलहोसिस प्रॉब्लम, साइंटिफिक नेम राइबोफ्लाविन। बी ट्वेल्व से होता है पर्निशियस एनीमिया, मतलब बहुत डेंजरस एनीमिया, मतलब ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालमिन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एलिमेंट में कोबाल्ट पाया जाता है, किस के नाम में एलिमेंट पाया जाता है, तो साइनोकोबालमिन, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ई स्टेरिलिटी, टोकोफेरोल साइंटिफिक नेम। के ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइलोक्यूनॉन, ये याद रखिएगा हर चीज को। नेक्स्ट आता है बर्थ हार्मोन। देखो हार्मोन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब यूट्रस की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब बेबी बॉर्न होना होता है मदर्स में, तो उस टाइम पे रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बाकी थायराइड की, थायरोक्सिन की बात करें, यहाँ पे मेरा थायराइड ग्लैंड होता है, वहां रिलीज होता है। वासोप्रेसिन की बात करें, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन एक टाइप का पेप्टाइड हार्मोन है जो पेनक्रिया सिक्रेट करता है। एडेनिन एडिनल ग्लैंड सिक्रेट करता है, होता कहाँ पे है? ये होता है किडनी के ऊपर, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन। जब भी किसी को स्ट्रेस होता है, इमरजेंसी होती है, तो पूछा जाए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो वो आ जाता है एडेनिलिन हार्मोन। याद रखिएगा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एडेनिलिन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो ये चार्ट है, कौन से स्टीरॉइड हार्मोन है, कौन से पेप्टाइड हार्मोन है, कहाँ से कौन सी चीज रिलीज होती है, क्या फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे सेक्स हार्मोन मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एडिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है कॉर्टिकॉइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन ये भी पूछा जाता है, कौन सा एमाइन हार्मोन है, कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है, कौन सा सेक्स हार्मोन है। मतलब ये चार्ट ओवरऑल आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे तो हार्मोन्स की हर चीज पता होनी चाहिए, बट अगर बेसिक कंसेप्ट भी अगर आप पढ़ते हो कि हार्मोन्स में ये आते हैं, तो वो भी आपके लिए सफिशियंट होंगे, राइट। सो पेप्टाइड, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, एंजियोटेंशन, इंसुलिन, ठीक है। एमीन हार्मोन की बात करें, एडेनिन, थायराइड, एडेनिन मेडुला एंड थायराइड ग्लैंड, ये याद रखना, ठीक है। तो इसके साथ आपकी ये क्लास होती है फिनिश, जिसमें कि हमने बायो मॉलिक्यूल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। ऐसे ही हम और वीडियोस को लेके आएंगे। बाकी अगर आपको चाहिए कि ये वीडियो हमें जल्दी चाहिए, हमें जल्दी प्रोवाइड करवा दीजिए, तो डेफिनेटली वो चीज आपको जल्दी ही प्रोवाइड होगी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें मैसेज करके, कॉल करके भी बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक किया गया है, जो कि पीडीएफ आपको हमारे मतलब जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।